Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Nikhil Patil और आप देख रहे हो निखिल टेक्निकल। तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Redmi Note 10 T, जो बहुत ही अच्छे प्राइस रेंज में आपको बहुत ही अच्छा मोबाइल प्रोवाइड कर रही है। और ये 5G मोबाइल देखने को मिल जाएगा और इसके जो पीछे है फंक्शंस है जो आप पॉज करके पढ़ सकते हो और मैं भी बताने के लिए रेडी हूँ। तो चलिए फटाफट से इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स ओपन हो चुका है। पहला इंटरफेस कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी इसे ओपन करके देखते हैं इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले सिम कार्ड एजेक्टर पिन देखने को मिलेगी और फिर कुछ नोट्स और केस, जो मोबाइल का केस है आपको कवर है वो भी फ्री में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसकी क्वालिटी भी मतलब ठीक है, जैसे नॉर्मल फ़ोन की जो कवर्स आते हैं वैसे ही है, ठीक है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इसे भी हम साइड पर रखते हैं। तो यहाँ पे आपको चार्जर और एक एडेप्टर देखने को मिलेगा जो 22 वोल्ट का है, जो अच्छा चार्जिंग सपोर्ट करेगा। और ये बैटरी इसकी जो बैकअप है वो है 4500, तो अच्छा है, मतलब चल सकता है। और इसका जो टाइप है वो सी टाइप चार्जिंग केबल है, तो फास्ट चार्जिंग भी आप इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। क्वालिटी वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो फिलहाल के लिए इसे भी हम साइड पे रखते हैं। तो ये कुछ मोबाइल का इंटरफेस ऐसा है, पीछे से जो लुक है वो इस तरह देखने को मिलेगा। तो मैं इसे निकाल के आपको परफेक्टली दिखाता हूँ। तो पीछे का जो लुक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और इसकी जो डिज़ाइन है वो भी मतलब एट्रैक्टिव है बहुत ज़्यादा। कैमरा वगैरह भी जो मतलब बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव कर रहा है और ये प्राइस रेंज में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और ये आपको 5G देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो इसके जो एजेस है वो भी बहुत बढ़िया है और जो साइड बटन्स है वो भी ठीक है। तो मैं इसे ऑन करके आपको पहले बताता हूँ। तो यहाँ पर पहले रेडमी लिख के आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको नीचे के साइड चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा और स्पीकर का ऑप्शन, और यहाँ पे ऊपर आपको ईयरफोन एजेक्टर देखने को मिल जाएगा। तो मैं सेटअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सेटअप हो चुका है। तो मैं आपको इसका जो सेंसर है वो भी वर्क कैसा कर रहा है, बहुत ही मतलब डिले नहीं है, ज़्यादा बढ़िया है। इस प्राइस रेंज में तो जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और इसका जो वाईफाई मैंने कनेक्ट कर लिया है, इसकी ब्राइटनेस लेवल भी ठीक है, मतलब इसकी जो टॉर्च है वो भी सही है। आपको इसमें 4GB रैम के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी और इसका जो प्रोसेसर है 665 स्नैपड्रैगन देखने को मिलेगा। तो आप चला सकते हो इस फ़ोन में भी, गेम वगैरह भी आसानी से खेल सकते हो, पबजी वगैरह भी आसानी से मतलब चल सकती है, ज़्यादा लैग वगैरह नहीं होगी। तो इसका मतलब जो ये फ़ोन 5G आपको प्रोवाइड कर रहा है और इसके साथ 4GB और 64GB इंटरनल स्टोरेज, और आपको ज़्यादा चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 8GB चाहिए तो आपको 8GB मिल सकता है। इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और आपको यहाँ पे पीछे
64 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको 2 मेगापिक्सल का डीप कैमरा भी देखने को मिलेगा और इसका जो मतलब फिल्टर्स है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। और इसकी जो बैटरी बैकअप है वो 5000 mAh बैटरी है और इसका जो प्रोसेसर मैंने आपको 667 स्नैपड्रैगन बोला बट एक्चुअली इसका जो है 700 MediaTek है। और इसका जो पीछे आपको स्पीकर देखने को मिल जाएगा जो बहुत ही मतलब डिसेंट आवाज़ वॉल्यूम में है और इसके साइड पे आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएंगे जो एक लुक में मतलब अच्छा लगता है। और ऊपर के साइड ईयरफोन एजेक्टर देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल लुक की बात करें तो बहुत ही बढ़िया मोबाइल है और आप इसे ले सकते हो। थैंक यू।